चलिए बच्चों, मैं मनीष पटेल ज्ञानदानी में आपका स्वागत करता हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग आप लोगों को। 3 दिन बाद क्लास ले रहे हैं भाई, थोड़ा दिक्कत था, दिक्कत सभी लोग जानते ही हो। फिलहाल सभी लोग जानते हैं कि ऑफलाइन की क्लासें भी शुरू हो चुकी हैं, तो थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा रहती है, लेकिन आज से अब क्लास आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक ना। लाइव क्लास तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको क्लासेस उसी टाइम पे 8 बजे नेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक। चलिए, तो आपको आपका टॉपिक जो चल रहा था वो कैलेंडर टॉपिक था आपका, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। कैलेंडर, चलिए, कैलेंडर टॉपिक में मैंने आपको कोड के माध्यम से बताया था, और आपको कोड के माध्यम से बताएंगे, वैसे भी आपको बताएंगे डायरेक्ट मेथड क्या होता है। डायरेक्ट भी पढ़िए आप, कोड के माध्यम से भी पढ़िए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। शायद मैंने आपको एक डेट वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया था, और आपको 2 डेटों वाली करानी है, ठीक, तो वहीं से आपको स्टार्ट कराएंगे। जो भी बच्चा फैजाबाद में रह रहा हो, ऑफलाइन क्लास अगर जिसको किसी को लेना भी हो, तो विमल IAS एकेडमी की ऑफलाइन फैकल्टी के रूप में मैं कार्य कर रहा हूँ, वहाँ पे भी आपका रीजनिंग सब्जेक्ट ही पढ़ा रहे हैं, तो क्लास ले सकता, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कैलेंडर टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कैलेंडर में आपको जो मैंने बताया था कोड के माध्यम से, कोड एक बार मैं रिवाइंड करा देता हूँ। कोड आपका था, मैंने बताया था माह का कोड, ठीक, और उसके बाद माह, माह और माह का कोड, ठीक। माह में आपका आएगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। टोटल 12 मंथ होते हैं, 12 मंथ का हम कोड बना के आपको दे रहे हैं। 033, 614, 033, 614, 625, 035, ठीक। मैंने आपको एक कोड बताया भी था, रिवाइज करा दे रहे हैं, जो लोग भूल चुके हैं उसको फिर से याद कर लीजिए, ठीक। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि शताब्दी वर्ष भी होता है, और शताब्दी वर्ष का कोड भी होता है, ठीक। शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष में हम क्या करते हैं, 1600 को हम आधार बनाते हैं, 1600 के अगला 4 साल 1700, 1800 और 1900, ठीक। अब ये 1600 को मैंने जो आधार बनाया है, इसको हम 400 साल ऊपर लेंगे, 400 साल नीचे लेंगे। क्यों बेटा ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि शताब्दी वर्ष जो होता है, शताब्दी लीप ईयर भी होता है, शताब्दी वर्ष भी होता है। और मैंने ये भी बताया था, शताब्दी वर्ष क्या होता है, जिस ईयर में हम 100 का क्या कर दें, गुणा कर दें, वह वर्ष कैसा होगा, शताब्दी वर्ष होगा। और शताब्दी लीप वर्ष क्या होता है, जिसमें हम 400 से भाग करें या 400 का क्या हो, गुणा, जो भाग करने पर आपका रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी आपका वह वर्ष कैसा होगा, लीप वर्ष होगा, ठीक। अब इसको 400 वर्ष हम ऊपर लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1200, इसके बाद क्या हो जाएगा, 4 साल इधर 1300, 1400 और यहाँ पे 1500, ठीक। यहाँ पे आपका हो जाएगा 2000, 400 के बाद 400 साल, ठीक। फिर यहाँ पे 2100, फिर यहाँ पे आपका हो जाएगा 2200, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2300, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इसका जो कोड निर्मित किया गया है, 1600, 2000, 1200 का कोड 6, अब 6 एक अंक याद कर लो, उसके बाद सभी में से हम 2-2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक। ये आपका क्या मिल गया, शताब्दी वर्ष का कोड, शताब्दी वर्ष का कोड। ये कोड बेटा आपको याद करना होगा, ठीक। याद हो जाएगा तो अच्छी बात है, क्वेश्चन और इजी हो जाएगा, नहीं तो हम डायरेक्ट मेथड भी आपको बताएंगे, जहाँ पे आपको कोड की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए,
तो हम शुरू करते हैं। देखिएगा इसमें आपके तीन केस के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। तीन केस बात करेंगे। पहला हम केस फर्स्ट की, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या होता है ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने कहा 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा, ठीक। इसके पहले मैंने आपको रिमाइंडर जो आपका प्राप्त होता था बताया था कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इसमें से कोई एक मिल सकता है। और अगर आपका 0 आता है तो दिन कैसा होगा, रविवार होगा, ठीक। 1 आता है तो सोमवार होगा, 2 आएगा तो क्या होगा, मंगलवार होगा, 3 आएगा तो क्या होगा, बुधवार होगा, 4 आएगा तो आपका क्या होगा, बृहस्पतिवार, या आपका होगा क्या, गुरुवार, ठीक। 5 आएगा तो क्या होगा, शुक्रवार, ठीक, क्लियर है इतना। 6 आएगा तो क्या होगा, आपका शनिवार होगा बेटा, ठीक, इतना क्लियर है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा 10 जनवरी 2004 की बात। ये जो मैंने आपका कोड बताया है, इस कोड में ध्यान दीजिएगा एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम मैं आपको बता दे रहा हूँ, बस एक ही है, छोटी सी प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपसे वहीं कहीं लिख लीजिएगा नोट में, नोट में लिखिएगा, अगर आपसे प्रश्न में जनवरी या फरवरी, ठीक, साथ में इसके क्या हो, वर्ष जो आपका दे रखा हो कैसा होगा, लीप वर्ष होगा। कैसा वर्ष हो, लीप वर्ष हो, तो हम क्या करते हैं, जो आपका स्टार्ट एज आता है, स्टार्ट एज यानी अतिरिक्त दिन, उसमें से हम एक को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, यानी एक को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। क्लियर है इतना, नोट कर लीजिए, फिर से सुन लीजिए। जनवरी हो या फरवरी हो, साथ में वह वर्ष कैसा हो, लीप वर्ष हो, तो जब हम लीप वर्ष में, सॉरी, जब हम स्टार्ट एज निकालेंगे तो उस केस में हम एक को क्या करेंगे, घटा देंगे, ठीक, क्लियर है। चलिए मिटा दे रहे हैं इसको। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया था स्टार्ट एज निकालने के लिए क्या क्या करते हैं। स्टार्ट एज निकालने के लिए देखिएगा, पहली बात आपकी आएगी तारीख, क्यों, तारीख आएगा, इसके बाद माह आएगा, तो माह का हम कोड लिखेंगे, ठीक। इसके बाद आपका क्या आएगा, वर्ष आएगा, यानी वर्षों की संख्या, वर्षों की संख्या, ठीक। आएगा आपका शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष आएगा, और इस शताब्दी वर्ष यानी इस वर्ष की संख्या में कितने आपके लीप वर्ष हैं, कितने आपके लीप वर्ष हैं, इन सभी का योग, इन सभी का योग डिवाइडेड बाय कितना, 7। इसके पहले वाले लेक्चर में यानी इसके पहले वाले वीडियो में मैंने ये चीज़ बता चुके हैं, ठीक ना। अब इसको वहाँ पिछले वाला वीडियो आप देख लीजिएगा, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। चलिए अब हम इसमें देखते हैं 10 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा, ठीक। तो स्टार्ट एज हम निकालेंगे, देखिएगा स्टार्ट एज कैसे मिलेगा। 10 जनवरी मतलब क्या, तारीख में आ गया 10, जनवरी माह का कोड कितना, 0, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने भी बताया था कि 2004 में कैसे हम शताब्दी वर्ष पहचानेंगे, तो 2000 को हम पूरा पूरा लिख लेंगे और 4 को हम आगे बढ़ा देंगे, फिर पुनः दोनों को जोड़ेंगे, कितना मिल जाएगा, 2004 मिलेगा ना, ठीक। तो 2000 का कोड कितना हो जाएगा, 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, 2000 से कितना वर्ष आगे गया, 4 वर्ष ना, तो वर्षों की संख्या मिल गई 4। अब इस 4 वर्ष में हम देखेंगे कि कितने लीप ईयर हैं, लीप ईयर करने के लिए क्या करते हैं, 4 से हम भाग कर देते हैं, तो 4 अक्का में 4 डिवाइडेड बाई कितना, 7। जोड़ लो इन सभी को, 10 और 6 कितना, 16, 16 और 4 कितना, 20, 20 और 1 21, 21 बटे में कितना आ गया, 7,
सात से डिवाइड करो, सात त्रिका 21, रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। अब जीरो के लिए कौन सा दिन आएगा भाई? जीरो के लिए आपका दिन आता है रविवार। ठीक, यहाँ पे देखो, क्लियर है सभी को? नोट कर लीजिए भाई इस क्वेश्चन को। नोट हो गया? चलिए अब ध्यान दीजिएगा, ये केस फर्स्ट, मैंने केस फर्स्ट का क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब देखिएगा केस सेकंड, केस सेकंड की हम बात करेंगे। केस आपका हो जाएगा यहाँ पे सेकंड। अब ध्यान दीजिए, केस सेकंड में क्या होता है, आपके मंथ और डेट बराबर होंगे, लेकिन ईयर जो होगा आपका, ईयर वो आपका चेंज होगा। ठीक ना? तो ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 10 जनवरी 2003, 10 जनवरी 2003 को अगर शुक्रवार हो, को क्या हो? शुक्रवार हो, तो 10 जनवरी 2000 लिखिएगा, 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? 10 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा? देखिएगा, अगर आपके सामने ऐसे केस आए जिसमें आपका डेट मंथ क्या हो, इक्वल हो, प्रॉब्लम कहाँ आनी है? ईयर में। ईयर देखिए सेम नहीं है, तो इस हम केस में क्या करते हैं, ईयर का हम डिफरेंस लेते हैं, ईयर डिफरेंस। ठीक, 2003 से 2015 तक का टोटल कितना? 12 ईयर। ठीक, कितना आ गया भाई? 12 ईयर। अगर इस 12 ईयर को, यानी 12 वर्ष को अगर हम कन्वर्ट कर दें दिनों में, ठीक, अब 12 ईयर को कन्वर्ट दिनों में कैसे करते हैं उसका कॉन्सेप्ट आप लोग देख लीजिएगा। जो आपका ये 12 ईयर है, 12 ईयर में जितने लीप ईयर आएंगे उसी को हम ऐड कर देंगे, तो क्या प्राप्त होगा आपको? दिनों की संख्या, दिनों की संख्या। ठीक, चलिए अब बताइएगा, 12 ईयर्स में, 12 में हम क्या करेंगे? लीप ईयर दिखाएंगे, कितने लीप ईयर मिलेंगे? 4 से भाग करो, 4 तीन में 12, 12 और 3 को हम आपस में जोड़ लेंगे तो क्या प्राप्त होगा? दिनों की संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अब दिनों की संख्या में अगर हम 7 से भाग कर देंगे तो हमें एक्स्ट्रा डेज आप यहाँ से मिल जाएगा। क्यों? तो भाग दे दो, रिमाइंडर कितना गया? 1। ठीक, अभी जो आपका रिमाइंडर 1 प्राप्त हुआ, ठीक, इसी में हम इसको जोड़ देंगे, तो शुक्रवार में जब हम 1 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त होगा? शनिवार। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा आपका? शनिवार या सैटरडे। ठीक, क्लियर है भाई सभी को? नोट कर लीजिए, देखिए इसमें मैंने कोड का कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया, ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक, नोट करिए भाई। नोट हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन करा देते हैं। क्यों? इसके बाद आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा, बाकी हम प्रैक्टिस में इसको और क्वेश्चन हम सॉल्व करा देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2001 को, 2001 को संडे था, 2001 को क्या था? संडे था। तो 15 अगस्त 2019 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? चलिए लगाइए भाई सभी लोग। फिर देखिएगा,
ईयर और डेट दोनों क्या हैं? बराबर हैं। ईयर और डेट दोनों क्या हैं? बराबर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम निगलेक्ट करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ ईयर। ठीक, डिफरेंस ऑफ ईयर यानी ईयर डिफरेंस कितना है यहाँ से, 18 + 1 = 19, यानी टोटल 18 ईयर का है। अब देखते हैं इस 18 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं, उसको हम ऐड कर देंगे। ठीक, 18 वर्ष में देखिएगा, 4 × 4 = 16, 4 आपके लीप ईयर हैं, जोड़ दो कितना आ गया टोटल आपका 22। ठीक, 22 में हम 7 से भाग करके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे, 7 × 1 = 21, जो रिमाइंडर आपका होता वही आपका स्टडेज होता है, मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले लेक्चर में। तो 7 × 1 = 21, 1 क्या हो गया शेष बचा। ठीक, अब जो शेष बचा है उसी में हम 1 को ऐड कर देंगे। ऐड क्यों करते हैं, अगर आपका ईयर आगे का पूछा है तो ऐड करेंगे, अगर ईयर आपका पीछे पूछा है यानी बैक डेट वाला पूछा है तो हम क्या करेंगे, इसको हम घटा देते। ठीक, तो संडे में 1 जोड़ोगे क्या प्राप्त होगा भाई, मंडे। क्लियर है, आंसर आपका क्या होगा, मंडे। ठीक, नोट कर लीजिए। नोट हो गया भाई सभी का? चलिए, और अभी तक कैलेंडर में जितना पढ़ाया गया है कहीं भी किसी को कोई दिक्कत है नहीं? चलिए, आपको एक सूचना भी देना है, जल्द ही हम आप लोग के सामने, हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस समय सिलेक्टेड हैं और वो चाह रहे हैं कि सर हमको भी ऑनलाइन में कम से कम एक बार आने का मौका दीजिए, कम से कम लोग हमको पहचान जाएं। ठीक, तो आना चाह रहे हैं तो हम कभी भी उनको ला सकते हैं, जल्द ही लेके आएंगे, ताकि आप लोग को भी एक विश्वास हो जाए कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे कितने सेलेक्ट हुए हैं। ठीक ना, तो हम सेलेक्टेड की लिस्ट भी जारी करा देंगे यहाँ से। ठीक, और उन सभी का दर्शन भी करा देंगे। ठीक ना, जैसे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट जैसे SSC में भी सिलेक्ट हुए हैं, रेलवे में तो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, UPP में भी कई ज़्यादा कुछ हुए हैं। ठीक ना, ढेर सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, फ़ोन करते रहते हैं, ऑनलाइन क्लास देखते हैं। ठीक, तो कहते रहते हैं कि सर हमको भी एक बार मिलवा दीजिए सभी लोगों से, तो मौका आपको मिलेगा। ठीक ना, चलिए एक क्वेश्चन इसी पे और कर लेते हैं, केस सेकंड पे। ठीक, लिखिएगा 20 जनवरी 2007 को मंडे था, को मंडे था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा। ठीक, नोट करिए भाई सभी लोग। चलिए देखिएगा, 20 जनवरी डेट और ईयर आपका क्या है, सेम है। ठीक, डिफरेंस ऑफ ईयर देखेंगे कितना आता है, 10 साल का यानी 10 वर्ष का आता है। ठीक, अब इस 10 वर्ष में देखेंगे कितने आपके लीप ईयर हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है कन्वर्ट करने के लिए दिनों में। ठीक, क्या करते हैं, 10 वर्ष में देखेंगे हम कितने, मतलब कितने आपके लीप ईयर हैं, तो 2 लीप ईयर आता है, तो कितना हो जाएगा, 10 और 2 = 12। डायरेक्ट करते हैं, नहीं फिर से देख लो, 10 आपका वर्ष ये है और साथ में 4 × 2 = 8, 2 आपके लीप ईयर आएंगे, टोटल आपका दिनों की संख्या कितनी हो गई, 12। ठीक, अब 12 को डिवाइडेड बाय कितना, 7। ठीक, कितना रिमाइंडर प्राप्त हुआ भाई, 5। ठीक, अब इस 5 को हम क्या करेंगे, मंडे में 5 को हम जोड़ देंगे, तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, आपका आंसर क्या आ जाएगा, सैटरडे या शनिवार। क्लियर है भाई सभी को? राइटिंग में भाई थोड़ा प्रॉब्लम है। ठीक,
क्लियर हो गया? ठीक, नोट कर लीजिए, मिटा दे रहे हैं इसको। ठीक, चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे केस थर्ड। केस थर्ड, केस थर्ड, केस थर्ड में क्या प्रॉब्लम आती है? अब इसमें आपके डेट, मंथ, ईयर सब चेंज होंगे और उसको आधार बनाया जाता है, यानी पहले स्टेटमेंट को आधार बनाया जाएगा और उस स्टेटमेंट को आधार बना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, जैसे क्वेश्चन लिखिएगा, यदि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार मान लिया जाए, बृहस्पतिवार मान लिया जाए, तो 30 नवंबर 1998 को कौन सा दिन होगा, को कौन सा दिन होगा? ठीक, अब ध्यान दीजिएगा इसमें प्रॉब्लम्स क्या आती हैं क्वेश्चंस में। ये जो 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार है ये माना गया है, ठीक, एक्चुअल में ये डेट होगा या नहीं होगा ये हमें कंफर्म नहीं है कि 10 मार्च 1987 को बृहस्पतिवार ही होगा। तो हम पहले इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये बृहस्पतिवार वास्तव में था या बढ़ा के या घटा के लिखा गया है। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, चेक कर लेते हैं। चेक कैसे करेंगे हम? कोड के माध्यम से करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, डेट में आ गया आपका 10 मार्च माह का कोड कितना, 3 1900 है, 1900 प्लस 87, यानी शताब्दी वर्ष में अगर लिया जाएगा तो 1900 होगा और वर्षों की संख्या कितनी होगी, 87। ठीक, तो 1900 का कोड कितना होगा, 0, वर्षों की संख्या कितनी, 87। अब 87 वर्ष में कितने लीप ईयर हैं उसको बताइए सभी लोग, तो 4 से डिवाइड कर देंगे, इसी में लीप ईयर मिल जाएंगे। ठीक, डिवाइडेड करो भाई, तो 87 में 4 से भाग करो, 4 2 8, 4 1 में 4, 21, बटे में कितना, 7। क्लियर है? 87 3 कितना, 90, 90 और 10 कितना, 100 और 21, 121 बटे में कितना, 7। भाग करो, 7 1 में 7 5 12 51, 7 7 49, रिमाइंडर आपका आ गया 2। जब 2 रिमाइंडर आया इसका मतलब 10 मार्च 1987 को क्या होना चाहिए था, मंगलवार दिन होना चाहिए भाई। ठीक, मंगलवार, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है, बृहस्पतिवार, तो मंगलवार से कितना दिन बढ़ा के लिखा गया है, 2 दिन, प्लस 2 दिन बढ़ा के लिखा गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, जब 30 नवंबर 1998 को निकालेंगे रिमाइंडर, ठीक, तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 को ऐड कर देंगे। कब ऐड करते हैं, जब आपका ईयर आगे का पूछा जाएगा तो हम 2 को ऐड कर देंगे, और जब ईयर आपका पहले का पूछा जाएगा तो हम 2 को घटा देंगे। क्लियर है? चलिए 30 नवंबर स्टार डेज निकालते हैं। ठीक, स्टार डेज निकालिए भाई, 30 नवंबर माह का कोड कितना, 3 1900 है, तो 1900 का कोड कितना, 0, वर्षों की संख्या कितनी, 98, 98 में कितने लीप ईयर हैं भाई, 4 2 में 8, ठीक, और 4 4 16, 24 4 96, यानी 24 मिलेगा आपका। ठीक, बटे में कितना, 7। अब ध्यान दीजिएगा, 98 और 2 कितना, यहाँ से निकालो 2, 100 और यहाँ बचा 22, 122, 122 3, 25, 30 कितना, 155, 155 बटे में कितना, 7। भाग दे दो, 7 2 में कितना, 14, 1 शेष, फिर यहाँ पे 7 2 में 14, रिमाइंडर कितना आया आपका, 1। अब ये जो रिमाइंडर 1 आया, यहाँ पे 2 दिन बढ़ा के भी लिखा गया था, तो उसी में 1 में हम 2 जोड़ देंगे, कितना आ गया,
तीन। अब ये तीन का एक्चुअल दिन क्या होता है? बुधवार। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? बुधवार हो जाएगा। क्लियर है? स्लो पढ़िए लेकिन सॉलिड पढ़िए, ठीक। नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। नोट हो गया सभी का? चलिए मिटा दें, एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस पे, ठीक। चलिए लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखिए 2 अक्टूबर 2004 2004 को मंगलवार था, या मंगलवार मान लिया जाए, मंगलवार मान लिया जाए तो 28 दिसंबर 2016 को कौन सा दिन होगा? को कौन सा दिन होगा? हो गया? चलिए अब हम पुनः उसी प्रकार से चेक करेंगे कि 2 अक्टूबर 2004 को क्या मंगलवार था, ठीक। देख लीजिएगा, दो तारीख में लिखेंगे कितना, दो। अक्टूबर माह का कोड कितना? जीरो। 2000 है, 2000 का कोड कितना? जीरो। वर्षों की संख्या कितनी? चार। लीप वर्ष कितने हैं? एक। बटे में कितना? सात। तो चार 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 दो छः और एक कितना? सात। सात बटे सात, रिमाइंडर कितना आ गया? जीरो, ठीक। पूरा पूरा कट जा रहा है तो रिमाइंडर आपका कितना मिलेगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ? वास्तव में 2 अक्टूबर 2004 को क्या था? मंगलवार ही था। अब डायरेक्ट यहाँ पे निकाल करके इसमें ना कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है। तो 28 दिसंबर माह का कोड कितना? पाँच। वर्ष में यहाँ पे देखिए शताब्दी वर्ष 2000। एक मिनट, एक गलती हुई भाई यहाँ पे। देखिएगा 2 अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर माह का कोड कितना? जीरो। और 2000 का कोड आपका 6 होता है, ठीक, 6 होता है, हाँ ठीक। और वर्षों की संख्या 4 और इसमें लीप वर्ष कितने? एक। अब सही है, ठीक। तो 6, 2, 8, 4, 12, 1, 13 यानी 13 में बटे कितना करेंगे? 7। रिमाइंडर कितना आया? 6, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, 6 आया, 6 का मतलब क्या? शनिवार। अब शनिवार के बजाय क्या लिखा गया है? मंगलवार। कितने दिन बढ़ा के लिखा गया है, ठीक। शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, कितना है? 3 दिन बढ़ा दिया गया है, ठीक। 3 दिन बढ़ा दिया गया है। अब इसी प्रकार जो भी यहाँ से निकलेगा उसमें हम 3 को ऐड कर देंगे। तो 28 दिसंबर माह का कोड कितना? 5, ठीक। और 2000 का कोड कितना? 6। वर्षों की संख्या 16, 4 लीप वर्ष मिलेंगे, बटे में कितना? 7, ठीक। 28, 5, 33, 33, 6, 49, 49, 4, 43, 43 और 10 कितना? 53, 53, 6, 61, बटे में कितना? 7। कैलकुलेशन भाई ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 7, 8, 56, 3 रिमाइंडर कितना आया? रिमाइंडर आपका आया 3। अब इसमें हम क्या करेंगे? 3 को ऐड कर देंगे, 3 को ऐड कर देंगे, टोटल आपका आ गया 6। और 6 के लिए दिन कैसा होगा? शनिवार होगा। बताइए भाई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए भाई सभी लोग। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, ठीक ना। ज्ञानदायिनी चैनल को इतना आगे बढ़ा दीजिए कि कोई भी चैनल इसके सामने टिक ना पाए, ठीक है।
क्योंकि आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट फैकल्टी द्वारा ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलाई जा रही हैं जो फैजाबाद में नहीं मिलेंगी। ठीक, चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर उसको लाइक करिए, शेयर करिए। जितना आप लाइक करेंगे उतना हमारे पास ऊर्जा आता रहेगा। ठीक है, चलिए, अब आपका ये केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड यहाँ पे हम समाप्त करते हैं और इसके आगे का जो प्रोसेस होगा, ठीक, तीन ही केस बनते हैं इसमें। अब जो आपका केस होता है, जैसे किसी का डेट ऑफ बर्थ निकालना हुआ, वह डेट ऑफ बर्थ कैसे निकाला जाएगा, ठीक, अब हम इसको कल चर्चा करते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।